हाय दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज है शिवरात्रि और आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूजा वूजा कर ली है हमने और मैं आज बनाऊंगी फास्ट, तो मैं रखती हूँ तो मैं घर में कुछ ऐसा भी नहीं बनाती हूँ। आज मैं बिना प्याज और लहसुन के खाना बनाऊंगी। राजमा बनेंगे और रायता बनेगा, अगर दही आया कोई तो, नहीं तो मुझे ही जाना पड़ेगा। और राजमा भी मैं बिना प्याज और लहसुन के बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने राजमा रात को भिगो दिए थे और अभी सुबह बॉयल सीटी मरवा दी उन पे, तो बॉयल हो गए। अब उनका मसाला बनाऊंगी और राजमा डाल दूंगी। और बच्चे गए ट्यूशन, लाइट भी जला देती हूँ। अरे दरवाजा बंद करा है, बाहर से गाड़ियों की आवाजें आती रहती है। तो सबसे पहले इसमें मैं कर दूंगी टमाटर, टमाटर क्रश कर दूंगी सबसे पहले। अगर आप प्याज नहीं डाल रहे तो टमाटर डाल सकते हैं ज्यादा। तो देखिए हमारा मसाला, ये टमाटर वाला मसाला। देखिए बन गए चावल। अरे मेरी आंख में पता नहीं क्या लाल हो रखी है, आंख छोटी हो रखी है। तो देखिए बन गए राजमा और देखिए क्या बने गाढ़े अच्छे, ये देखिए। और ये बन गए हमारे चावल। चावल तो दिखा दिए थे मैंने। यहाँ सबको मैंने लंच दे दिया है और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, फिर मैं मिलूँगी आपको शाम को। और बच्चे कहीं खेलने के लिए, मैं दूध लेने जाऊँगी। और आँख की दवाई भी लेके आऊँगी। चाय बन रही है, कस्टर्ड बनाऊँगी। ये देखो ये है बटर स्कॉच वाला और ये आज बनाऊंगी कुछ मीठे में। अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने और सामान भी ले आऊंगी। देखते हैं दूध मिलता है कि नहीं मिलता, लेट हो गई है। डीएमएस का दूध जल्दी हो जाता खत्म, तो अगर मिल जाएगा तो लूंगी, नहीं तो मदर डेयरी का। ले लिया मैंने सामान, घर जाके दिखाऊंगी क्या किया है सामान। एक तो ये टूटी फूटी लेके आई दो कलर में, ये दो कलर में टूटी फूटी। और डीएमएस का ये पनीर लेके आई हूँ और दूध भी मिल गया था डीएमएस का, तो तीन थैली इसकी भी लेके आई हूँ। और आँख में डालने वाली दवाई भी लाई हूँ। इनका और है ट्यूशन का टाइम, तो उसको पार्क से बुलाने जा रही हूँ। पार्क में खेल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। पनीर तो रख दूंगी फ्रिज में, उसे कल बनाऊंगी। आज मैंने आलू का साग, कुछ और आलू का साग बनाऊंगी। तो मैंने दूध चढ़ा दिया एक तरफ चाय रखी है, चीकू खाएगा चाय और रस। ये लाइट भी जला देती हूँ। और ये कस्टर्ड के लिए बॉइल कर रही हूँ। और ये कस्टर्ड पाउडर मेरे पास, और ये बटर स्कॉच है। ठंडे पानी में पहले मिक्स कर देती हूँ कस्टर्ड पाउडर, फिर धीरे धीरे डालूंगी। तो बन गया कस्टर्ड और मैंने यही रखा है ठंडा होने पे, ठंडा होने के लिए।
और अब बनाऊंगी आलू की सब्जी। मैंने कौन कौन से वो आएंगे, मैंने निशान भी लगा रखा होगा बुक्स में। तो आलू का साग बनाऊंगी, वो भी बिना उसके बनाऊंगी। तो मैंने भर लिया अपना ग्लास ग्रेप से, अभी इसमें केला भी आएगा, केले भी डालूंगी। और यहाँ पे मेरी सब्जी हो गई है, ये रख दिए मैंने, ये टिनटिन चीकू के लिए, वो फ्रूट्स नहीं खाएंगे। और ये डालूंगी टूटी फ्रूटी ग्रीन वाली, ये पसंद है बच्चों को। और ये हम दोनों के लिए, ये इनके लिए, इनमें फ्रूट रखे हैं मैंने, ये देखिए। और ये ऊपर से बनाना है, केला डाला हुआ है, तो इनको भी मैं फ्रिज में रख दूंगी हमारी। और सबको मैंने खिला दिया, और मेरे लिए बनी है और खस्ता बनी है बिल्कुल। तो अब मैं खाती हूँ, और ये सब्जी इतनी बची हुई है, और मैं इसी में ही खाऊंगी कढ़ाई में। तो इन्होंने ले लिए अपने अपने कस्टर्ड, और ये स्ट्रॉ से पी रहा है। स्ट्रॉ से नहीं आएगा वो, वो जो उसमें है वो नहीं आएंगे स्ट्रॉ से। ये देखो, इन्होंने फ्रूट नहीं डाले, इसलिए इनका ऐसे हो रखा है। और ये वाला दे रही हूँ इनको, इसमें फ्रूट और सब कुछ है, मतलब केला भी है और अंगूर भी है। गाय जो देखिए नाइंसाफी, मेरा वाला देखिए, तो इसमें फ्रूट है। और ये देखो, ये मैंने बनाया अपने लिए बहुत सारे फ्रूट, मेरे और ये अंगूर है और केले हैं। और मेरा दिखाइए, ये देखिए, सबसे पहले हम साइज की बात कर लेते हैं। अच्छा, साइज क्या कर लेते हैं? तुम टॉपिंग खाते, टॉपिंग की बात कर ले मम्मी ने, तुम्हारे उसमें सबसे ज्यादा डाली टॉपिंग्स में। और देखो कस्टर्ड भी किसमें डाल, किसका अच्छा लुक दिख रहा है? मेरा ही है, वही मैं बोल रहा हूँ। नाइन साफी क्यों है? क्योंकि तुम खुद के लिए अच्छा अच्छा जमा हुआ। देखो हमारे सड़ियल सा, क्योंकि तुम फ्रूट नहीं खाते, मैंने तो फ्रूट डाले जम के। तो चलो करते हैं इसको एंजॉय। तो बाहर आए हम घूमने के लिए, और अच्छा लग रहा है मौसम, मतलब अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है पूरे दिन की धूप से। हाँ, गुड नाइट दोस्तों, फिर कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।